आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। मुंबई की बोरीवली पश्चिम वार्ड नंबर 1 के गणपत पाटिल नगर में बीजेपी की तरफ से पोल खोल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दहिसर विधानसभा की विधायिका मनीषा चौधरी पोल खोल के चलती फिरती एलईडी वैन का रिबन काट कर उद्घाटन किया गया, जिससे मनपा में हुए भ्रष्टाचार के बारे में जनता को बताया जाएगा। इस कार्यक्रम के दौरान गली नंबर 2 लिंक रोड पर सैकड़ों की संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित थे। आमदार मनीषा चौधरी ने द्वारा किए गए कामों को जनता को बताया गया। गणपत पाटिल नगर में पानी लाइट जैसी समस्या को दूर किया गया है। इस मौके पर विधायक आशीष शिलार, विधायिका मनीषा चौधरी, मंडल अध्यक्ष अरविंद यादव, पूर्व नगर सेवक जगदीश ओझा, हरीश छेड़ा, जितेन पटेल, भारतीय जनता युवा मोर्चा राजेश उपाध्याय, वार्ड अध्यक्ष महेश गौड़, बीजेपी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ स्थानीय भी उपस्थित रहे। मुंबई से ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। आज कार्यालय के कार्यालय को अपने और पोल खोल की शुरुआत आज से की गई है। एक नंबर से क्या कहना है आपको? जी, सबसे पहले तो गणपत पाटिल नगर के पूरे वासियों को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि उनके समक्ष में आज भारतीय जनता पार्टी का वार्ड क्रमांक 1 में एक भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस और कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, और उस उद्घाटन के शुभ हस्ते अपने एडवोकेट आशीष शिलार जी के हस्ते से हुआ। आमदार मनीषा चौधरी जी भी उपस्थित थी, गोपाल शेट्टी जी, खासदार आशीर्वाद हमारे साथ था। यहाँ पे लोगों पे बीते गए 20 सालों वर्षों में जितनी भी तकलीफें, जितने भी दुख और कितने तकलीफ लोग यहाँ पे झेले हुए हैं, इसके खिलाफ हमारी सरकार ने पोल खोल का कार्यक्रम किया है। ये 20 साल में गणपत पाटिल नगर में इतने अत्याचार हुए, इतने गोर गरीबों के पीछे इतनी लूट हुई है, उसके खिलाफ आज हमारे पोल खोल का कार्यक्रम भी था और साथ ही साथ हमने ये कार्यालय का भी उद्घाटन किया। हमने सोचा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से 2017 से आयुष्मान भारत की एक योजना ही निकली, तो ये आयुष्मान भारत की योजना क्या थी? जो गोर गरीब, जो पिछड़ित लोग थे, उन तक योजनाएं पहुंचनी चाहिए, उन तक वो सुविधाएं पहुंचनी चाहिए सरकार से, जो इंश्योरेंस की संबंध थी। बट हमने देखा कि क्या ये योजनाएं केवल दूर पिछड़ित प्रांतों में ही है कि मुंबई में भी ऐसे जगह पे होना चाहिए जहाँ पे लोग पिछड़ित लोग रहते हैं। तब हमने पूरा डेटा निकाला, तब पता किया कि पूरे दहिसर विधानसभा में 25,000 लाभार्थियाँ निकले जो आयुष्मान भारत के लाभार्थी थे। तब उसमें से गणपत पाटिल नगर का अगर हमने क्षेत्र निकाला तब 5,000 लाभार्थियाँ गणपत पाटिल नगर में निकले, जिनमें भारतीय जनता युवा मोर्चा आमदार मनीषा चौधरी जी के नेतृत्व में हमने आयुष्मान भारत का कार्ड बनाया। फिर दूसरा योजना निकाला जब अभी हाल ही में ई श्रम का कार्ड लॉन्च हुआ है, तब हमने देखा कि स्थगित लोगों के लिए जहाँ पे लोगों की योगों के बारे में जो सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, एजेंसीज को जानकारी नहीं है, तो उनके लिए, उनको एक प्लेटफॉर्म में लाने के लिए एक योजना निकले जो ई श्रम योजना निकली। तब उस ब्रैकेट में लाने के लिए यहाँ पे प्रत्येक वर्ष घरों में हमने 4,000 लोगों को गणपत पाटिल नगर में, स्नेहल चाल में, माड़ा में, ऐसे करके हमने 4,000 लोगों को ई श्रम के कार्ड के अंदर और ई श्रम की योजनाओं के अंदर दाखिल किया। तो ऐसे आने वाले समय में और बहुत सारी सरकारी योजनाएं जो यहाँ पे लाभार्थियों को, गरीबों को मिलनी चाहिए, सुविधा मिलनी चाहिए, इसका मूल उद्देश्य था कि हमें यहाँ पे कार्यालय खोलना चाहिए, प्रतिदिन हमारे कार्यकर्ताओं को यहाँ पे बैठने का एक जगह चाहिए, लोगों को हमारे पास अपनी शिकायतें पहुँचाने की एक जगह चाहिए जहाँ पे हम उनकी शिकायतें सुन सके। यही संकल्प के साथ माननीय मनीषा चौधरी जी के नेतृत्व में, अरविंद यादव जी के नेतृत्व में, यहाँ वार्ड अध्यक्ष महेश गौड़ जी के हाथों हमने यहाँ पे उद्घाटन किया। इलेक्शन की भी तैयारी इस कार्यालय से होगी सर? सर देखिए, ये कार्य तैयारी हम लोग किए हैं कि लोगों की मदद करने से, केवल बीएमसी के इलेक्शन की सोच के नहीं, आने वाले आज जन्म तक जब तक गणपत पाटिल नगर के लोग यहाँ पे बसे रहेंगे, ये कार्यालय उनके लिए होगी, चाहे बीच में जो इलेक्शन आना हुआ है, मैं प्रत्येक दिन भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता जब इस ऑफिस में बैठेगा वो सिर्फ गरीबों के कल्याण के बारे में सोचने में बैठेगा। एक युवा नेता के रूप में आप उभर के यहाँ पर आए हैं, लोग काफी लाइक भी कर रहे हैं आपको, लेकिन आप ही के पार्टी के कुछ कार्यकर्ता खुलेआम विरोध भी कर रहे हैं, अगर आपको टिकट मिलता है तो भी विरोध में उतरेंगे, तो इसको लेकर किस तरह से देखते हैं आप? मैं तो यही मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ जो पिछले 10 साल से ये कार्यकर्ता रस्ते पे उतर के जन लोगों के हित में काम कर रहा है। मुझे ये भी लगता है कि लोगों को कुछ परेशानियां होगी, मगर मैं ये कहावत सुनता हूँ कि जो काम करता है, जो लोगों के बीच में पहुँचता है, कोई ना कोई नाराज़ ज़रूर होता है। मैं आपसे केवल इतना कहना चाहता हूँ कि ये जो व्यक्ति आपके बीच में, जो युवा खड़ा है, ये केवल और केवल लोक हित के, जनहित के काम करने के लिए खड़ा है, और मुझे लोगों का आशीर्वाद चाहिए, और ये आशीर्वाद मैं वोटों के माध्यम से मांगने नहीं आया हूँ। जब भी रस्ते पर उतरूंगा, अगर वो मुझे हाथ मिला के खुशी से देखेंगे, बस मैं उनसे अपना सब कुछ। चुनाव लड़ेंगे पार्टी का जो आदेश रहेगा उस आदेश का पालन किया जाएगा, और भारतीय जनता पार्टी का निष्पक्ष कार्यकर्ता होने के नाते भारतीय जनता पार्टी की जो भी आदेश रहेगी, जो भी यहाँ का व्यक्ति यहाँ पे उभर के आएगा, मैं स्वयं उसके प्रति साथ खड़ा रहूंगा, और वार्ड नंबर 1 का हर एक कार्यकर्ता उसके साथ खड़ा रहेगा, और हम साथ में जंग लड़ेंगे और जीत के लग जाएंगे।